श्रीकाल जी, मैं थोड़ी होस्ट कौर न्यूज टीवी 84 के नाल। दर्शको, अज तो 29 साल पहला 3 जून 1984 में भारतीय फौजों ने श्री अकाल तख्त साहिब और 37 होर इतिहासिक गुरुद्वारे पर हमला करके हज़ारों की गिनती विच बेकसूर सिखा शहीद किया। असी ये हफ्ता उन्हां ही घल्लूघारे दे शहीदां दी याद नूं समर्पित करते हाँ। असी इस जून 84 के घल्लूघारे नाल संबंधित वख-वख शख्सियतां नूं तुहाडे रूबरू भी करवा रहे हाँ। अज साडे नाल सिख पंथ की महान हस्ती जिहड़ी कि बहुत निडर इंसान ने ते पंथक मसलियां ते वड्डी मजबूती नाल स्टैंड लैंदे ने, अज साडे नाल जुड़ चुके ने सिंह साहिब ज्ञानी बलवंत सिंह जी नंदगढ़ जथेदार तखत श्री दमदमा साहिब। सिंह साहिब जी, वेलकम टू माय न्यूज़ शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह साहिब जी, जिस तरह तुसी जानते हो अज 6 जून का दिन है। 29 साल पहला सिख कौम के उत्ते भारत की सरकार ने जुल्मां दी हनेरी चलाई जिसनों घल्लूघारे 84 के नाम नाल याद किया जाता है। असी चाहवांगे कि तुसी इस घल्लूघारे संबंधी अपने विचार सारे सिख संगतां नाल सांझे करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, जी एक घल्लूघारा क्यों वापरिया? मुड़ असल गल दा इह वी घल्लूघारा वापरिया, वापरिया क्यों, वापरिया की, इहदे पिछे की सी गल? हां जी, इह घल्लूघारा इस तरह वरपा पड़िया कि जदों तों बाबे नानक ने कहता ना, काजी कूड बोल मल खाए ब्राह्मण अजिया काए जो जुगत जाने तिन्न जाड़े का बंद। उदों तों बाबे नानक विचारधारा नूं जिहड़े सी पहला मुगलों ने बदलने की कोशिश की, बाबे नानक विचारधारा खत्म किया जाए। उन्होंने मुला मुलाणिया ने कट्ठे होके मुगल बादशाह के कन्न भरे, तो मुगल बादशाह ने अत्याचार किए, सिखा के सर के मुल पाए। जिस तरह के तोज के जहांगीर जहांगीर लिखता है कि मैं काफ़ी चिर का सोच रहा सीगा कि ब्यासा के किनारे के उत्ते कंढे के उत्ते एक छकूट की दुकान चल रही है, किस तरह बंद किया जाए। उन्होंने अत्याचार किए, सिंघा के सर के मुल पाए। गुरबाणी कहते जिस सत जोर कर वेखे सो, अपना जोर कला के देखा, पर फिर भी जिसका साहब डाढ़ा हो तो मार ना रखे कोई। उन्हें जुल्मां दी अत कीते, उन्होंने सिर के मुल पाए सिंघा के, पर गुरु पातशाह ने फिर भी जिहड़े सिखां नूं जिहड़ा सीगा दलेरी दित्ती ते उन्होंने बचा के रखिया। उदों बाद ताकत आ गई हिंदुओं के हाथ के, हिंदुओं के हाथ ताकत आ गई, तो हिंदुओं ने भी फिर अपना जोर लाया कि बाबे नानक की आवाज़ किस तरह बंद किया जाए। इन्होंने बर्दाश्त नहीं हो सके, इन्हें बाबे नानक की विचारधारा जो क्या सस्से सानू गया मुड़े एक दान तो दिखताए रहा, साई पुत्र जीवान के साथ धान कर दे तेरा जन्म गया। गौ ब्राह्मण को गला गोबर तरन जाई धुपती टिका ते जम धान मरे शंखाई, बाबे नानक की सच की विचारधारा इन्हें बर्दाश्त न होया। इन्होंने फिर जिहड़े सीगे इन्होंने जिहड़ी जो ताकत आ गई इन्होंने कोल, ताकत हिंदुओं के कोल ताकत आ गई, जिहदे संबंध विच कहा सीगा जिन्हां ने कि तुसीं हिंदू गुलाम देखिया है जदों आजाद हो गया फिर देखो तुसीं, पर साढ़े जिहड़े सीगे बेसमझ लोग जां समझ लो कि कोई अपने मसाजी जिहड़े सीगे अपने निजी मसाजां वाले लोग से, उन्होंने सानूं फिर भी इन्हां दे गल नाल बन्न दित्ता, हिंदुओं दे गल नाल बन्न दित्ता सानूं। तो हिंदुओं ने साढ़े ते अत्याचार करने शुरू कर दिते। इन्होंने साड़ी जी विचारधारा सी ये कहन लगे कि किस तरह इन्हों सिखा कन्वर्ट किया जाए हिंदुओं में, कि मन लैन सिख कि असं हिंदू हैं। सारा रौला इस गल का है, ये जरा घल्लूघारा वरत्या ना 84 का, यदा मुढ़ की है, यदा पिछा की है कि ये आ रहा है कि हिंदू है जेडे जे सिख है हिंदू हैं, ये मन जान भी असं हिंदू हैं, जे सिख मन जन अत्याचार किए जान। इन्होंने सानू जिन भुल के इन कुरबानियां की हुई भुल के देश के आजादी देश आजादी दवाने के वास्ते आजाद करवाने के वास्ते इन्हें कुरबानिया भुल के इन्होंने जिदे देश आजाद हो गया उदी कहते जरैम पेशा कौम है, इन्होंने जरा ख्याल रखा जाए उदी जरैम पेशा का इन्होंने खिताब दे दिता, जुल्म किए इन्होंने कि किस तरह के इन्हों जो सिख है जेडे हिंदुओं के कन्वर्ट किए जाने, चार छपरे तो जुल्म किए इन्होंने, तो जरा 84 का सी ये भी गिनी मिथी साजिश के नाल, यही है कि अचानक हो गिनी मिथी साजिश के नाल इन्होंने शुरू किया, कि जिस तरह जी कह लीए कि जेडे हिंदू लोग जिन्होंने लॉबी है ना हिंदू लॉबी, ये सेंटर जी बैठी हुई है बेचकता भावें वह भारतीय जनता पार्टी है तो बेचक कांग्रेस ही है, जो कह लीए इन्हों कि अथकथनी नहीं कि कांग्रेस एक सप्पा की बर्मी है सिखा के वास्ते, तो जे कह लीए कि जेडे हिंदू है
इन्हां अडवाणी है ये काला नाग है जिहड़ा इहनूं कहिंदे कि कदे भी मौका नहीं खिजांदा सिखां दे खिलाफ घट गिणतियां दे खिलाफ बोलण दा बोलण लई कोई मौका नहीं खिजण दिंदा गा जी हर रोज जहर उगलदा है घट गिणतियां दे खिलाफ बोलदा है जहर उगलदा है तो हो सकदा कि किसे दिन ये जहर जिहड़ी है ये सारे हिंदुस्तान नूं चढ़ जावे जी इन्हां ने जिहड़ा सी कि इहने भी कहा कि जिहड़ा कि घलूघारा जिहड़ा वरत्या ना 84 वाला हां जी इहदा हत्थ कहिंदा कि कली इंदिरा गांधी तां चाहुंदी नहीं सी अजे जी जगदी सी डरदी सी ते मैं उहनूं कहा वी तूं इत्थे जरूर के तूं मतलब जिहड़ा सीगा इह इहनां ते हमला कीता वी इहदा मैं कराया हमला हिंदुस्तान दे विच कहिंदा इह मैं हिंदुस्तान दी सरकार नूं मैं कह कराया है ते गुरु पैरे खाल कहण दा भाव है कि सानूं ना जलील कीता गया कि गुरपुरब वाले दिन जदों कि मेरे नाल इक सिंह जी सिंह जिहड़ा कि राजा राजा सिंह रजिंदर सिंह जिहड़ा कोट पत्ता सी मैनूं जेल दे विच सीगा जी मैं उहनूं पुछिआ तां गल चलदी सी कि संत हैगे कि नहीं चले गए कि नहीं निकल गए बाहर क्योंकि इह गल चल रही सी कि संत निकल गए सी जी गुरु पैरे खाल कहण दा भाव है कि उहने दस्सिआ कि नहीं बिलकुल नहीं संत शहीद हो गए मेरे सामने शहीद होए संत कहिंदा मैं नाल सी कहिंदा कि जदों कि टैंक खड़ा सी ना ਉਹ ਟੈਂਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਏ ਸਨ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਮੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਹ ਇੱਕੇ ਫੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕੇ ਫੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ 35 ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਗਿਣੀ ਮਿੱਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਿਣੀ ਮਿੱਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ 35 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ 35 ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੜ ਸਕੇ ਇਹ 30-35 ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੀਮ ਇਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੰਤ ਜਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀਗਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਫੌਜ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਢਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜੇ ਨੇ ਖਾਨ ਨਿਆਜੀ ਤੋਂ ਰਖਾਏ ਸਨ ਸਤਾਏ ਸਨ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਗਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ 29 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ 29 ਸਾਲ 29 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੰਘ ਗਏ ਕਿ ਦਮ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਕ ਗਈ ਜੀ ਵਿਕ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਤਨ ਦਮ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਮੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਸਾਲ ਕਹੀ ਗਏ 25-28 ਸਾਲ ਹੀ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਸੰਤ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਰਹੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਦਮਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 29 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਖੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਸੰਤ ਫਿਰ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਦੱਸਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਸੰਤ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
लोगों ने यादगार बनाने के वास्ते ये उपराले किए थे, रोज दे रोज क्या यादगार बननी चाहिए। हुण यादगार बन गई, हुण गुरु प्यारे यादगार तो बन गई, यादगार पहला बनाने के वास्ते बड़ा ढिल आया। लोबी बैठी हिंदू लोबी, भावे कांग्रेसी भावे भारतीय जनता पार्टी आले, वह दोनों ने बयान दिते यादगार नहीं बननी चाहिए जी। यादगार बन गई, हुण यादगार बन गई तो उदो बाद मनाउण नहीं देना दिन। हुण जिहड़ा 5 जून वाला दिन मनाउणा सी ना, शहीदी दिन मनाउणा सीगा, ते उस दिन पोस्टर पड़ गए संत जरनैल सिंह पिंडां वालिआं दे, उन्हां दीआं फोटो लगियां। मैं तां कहिंदा सरकार नूं कहिणा चाहुंदा हाँ कि सरकार जेकर असीं जिहड़ा सिख है इह असीं शांति चाहुंदे हाँ, असीं शांति चाहुंदे कि असीं शांति नाल रह सकीए, पर गुरु प्यारे कहने का भाव है कि जिहड़े नाग बैठे ने सानूं शांति नाल जीउण नहीं दिंदे। हाँ जी, जिहड़े सब बैठे सानूं दसण दा वेला नहीं खुझण दिंदे। इन्हें पोस्टर पाड़े दे सरकार नूं कहिंदे जिहड़े इह जे तुसीं जदों कितें जे कोई सिख है जो भी है उहनूं इह आप अतवादी है, हिंदू सिखां नूं कहिंदे उत्थे अतवादी कहिंदे, कहिंदे नां रखे अतवादी, आप अतवादी पर कहे अतवादी कह के सानूं सिखां नूं अंदर रड़ा दिंदे, जिन्हां ने बंद कर दिंदे आ। ते इहनां दे बाद मैं सरकार नूं कहना चाहुंदा हाँ कि जेकर तुसीं शांति चाहते हैं तो इन्हों नत्थ पाओ इन्ह लोगों के जो शरारती अंसर जो संत जिन्होंने संत जरनैल सिंह पिंडां दे आलिआं दे पोस्टर पाड़दे ने, जिहड़े शहीदी जा के मनाउण नहीं देनी, मनाउण नहीं देनी, असीं शहीदी दिन नहीं मनाउण देना, तो उन्होंने संतां दे जिहड़े पोस्टर पाड़े। गुरु घर कहने का भाव है कि यह जिहड़ी सी यादगार तां इन्ना चल लंघ गया, हुण यादगार बन गई है जी। तो लोग जिहड़े हैगे ने इहदा बाहरले देशों ने भी ठीक मन बहुत चंगी गल हुई है, यादगार बनाई है जी। तो गुरु प्यारे खालसा कहने का भाव यह कि यह सानू ये कन्वर्ट करना चाहते हैं, रौला बनते भी क्यों घलूघर, मतलब पहला घलूघरा वरत्या, हम घलूघरे वरत्या तो सर दुनिया को पता की वरत्या, किमें मारे गए लोगों किस तरह किया गया की होया सब पता है, पर वरत्या क्यों वरत्या मतलब यह है कि सानू एक कन्वर्ट करना चाहते हैं कि सिख जो हिंदू है ना, हिंदुओं ने दसा जिस तरह के एक जोड़े धर्म से बुद्ध धर्म से जैन धर्म से वो खत्म कर दिता, इस तरह सिखा की विचारधारा को खत्म किया जाए, यह कि मन जाए ये इन्हें तशद्दुद किए जान, जुल्म किए जान, यह जे चार शब्द जुल्म किए जान कि मन जाने से हिंदू का रौला सह गल वरत्या, जो चर्ची का एक बड़ा कानून कर वरत्या है। हाँ जी, तो सिंह साहब जी असी हुण तुहाडे नाल होर भी पंथक मसलियां बारे भी गलबात करना चाहते हैं, जिससे तुसी जाने कि 2003 दे विच मूल नानक शाह कलंडर पंथ ने बड़े जतना नाल तैयार किया सी, फिर सौदा है ना थले इस कलंडर का हिंदूकरण किया गया, ऐसा क्यों होया, इस बारे भी साडी सिख संगत नूं दसो। बीबा इस करे बेटा इस तरह होया कि इह जिहड़ी लाबी बैठी है ना इह, हाँ जी, इसने पहला जिहड़ा सी ना जिहड़े बाबे नानक ने कहा सी ना काजी कूड़ बोर मल खाए ब्राह्मण आए जी आके जोगी जोत नाल तिने उजाड़ का बंद। हाँ जी, ये जिहड़े सी ना वो जिहड़े जिहड़े जोगी लोग से उन्होंने साडा संतां दा हुण भेस बदल लिया जी। जिहड़ा हुण मैं तां कहंदा संत टोला भी जिहड़ा विक गया, संत जिहड़े लाबी दे हत्थां दे विच विक गया। हाँ जी, जिहड़ा वक्खरी कौम दा प्रतीक सीगा नानकशी कैलेंडर, उस नूं इन्हां ने मतलब कहिंदा सोध्या होया कैलेंडर है, सोध्या कैलेंडर बह के है, वो विक्रमी कैलेंडर जी है, सोध्या कहने सोध्या हुआ कैलेंडर है। हाँ जी, हुण मैं इन्हां नूं पुछदा तेरे सोध्दे हुए कैलेंडर जिहड़े साडा इक दा विजेदार है अवतार सिंह रोज यह बयान दिंदा सी 12 तरीक नूं मनावांगे जी, 12 तरीक शहीदी दिन मनाउणा जी असीं, गुरु अर्जन देव दे दिल्ली वालिआं ने 12 दिन दा 12 दा बनाउणा। मैं इन्हां पुछणा चाहुंदा इन्हां नूं इह जिहड़े टारां मारदे ते हक्कां चौड़ियां करके कहिंदे न, इह क्यों साडे इतिहास नूं इह खट्टे पट्टे पा रहे, क्यों साडे इतिहास दे नूं मोड़ा दे रहे हैं, क्योंकि जदों के पंजवें पातशाह दी शहीदी हुई है उदों साडा इतिहास कहिंदा है कि पंजवें पातशाह नूं 5 दिन दे तसीह दित्ते गए, जिहदे संबंध विच पता इतिहास दे विच कि साईं मियां मीर वी मिले, चंदू दी नूं वी मिली है। हाँ जी, ते 5 दिन इतिहास दे विच लिखिआ 5 दिन तसीह दित्ते गए पंजवें पातशाह शहीद करन तों पहलां, ते इहनां ने जिहड़ा गुरपुरब हैगा है पंज जिहड़ा है गुरपुरब जिहड़ा मनाउंदे आ शहीदी दिन, कि 12 दा मनाउणा ते 11 नूं जिहड़ा जो है गुरगद्दी दिवस है, गुरगद्दी दिवस 11 जून दा मना रहे ने गुरगद्दी दिवस, ते 12 जून दा मना रहे ने शहीदी दिन। ते मैं इहनां नूं पुछदा हां कि दसो वी इक दिन पहलां पंजवें पातशाह छड्ड दित्ता उहनां ने वी तुसीं गुरगद्दी देव, क्योंकि जदों पहलां तों रवायत तुरी आई है जी, पहले पंजवें पातशाह गुरु नानक देव तों लै के रवायत तुरी आई है कि गुरु मैं जिन्हें गुरु साहबान हुए अपने ज्यौदा गुरगद्दी दे गए जी, सते बनो लिखे गुरु चेले रास की नानक सलाम थीम दे टिका दो जीवन दे जी, अपने ज्यौदे जी
गुरु अंगद देव जी ने गुरगद्दी देते उ परंपरा से तुरी आते ज्यौदे जी एक गुरु ने दूजे न गुरगद्दी देख गए। मैं पूछना चाहना तुम 12 जून वाले मना वाले 11 जून मना जरा गुरगद्दी दिवस मना शहीदी दिन मना 12 जून एक दिन पहला किने छड़ के कौन छड़ के गए कोई इसे तुम भी जाके गुरगद्दी दे आओ पर कोई जवाब नहीं इन्हों को जरा कि इन्होंने पहला 2011 के इन्हें 5 जून मनाया गुरगद्दी दिवस मनाया इन्होंने 11 जून तेन पूछना चाहना भी 6 दिन पिछले गुरगद्दी किने दिती फिर 2012 के 25 मई में मना लिया इन्होंने जरा शहीदी दिन फिर गुरगद्दी दिवस 11 जून मनाया फिर इन्होंने पूछना भी साढ़े इतिहास में क्यों बिगाड़ रहे हो तुम हिंदू गण कर रहे इतिहास का भी इतिहास तो सा पहले भी दूजे लोगों ने भी बिगाड़िया हुआ है आप भी आप इतिहास जरा बिगाड़ रहे हैं साडा कहने का भाव है कि लोग जो है ये खेड दो हथा जो लॉबी कहती है वो बोलते हैं जी वो लॉबी कहती है बोलते हैं जरा नाल छे कैलेंडर मूल नाल छे कैलेंडर है यू छ के इन्होंने सोध्या नाम दिता सोध्या कैलेंडर यह मैं पूछता की सोध्या सो दिता तुम खालसे पंथे बोलिया चाहे सोता फलाने मार दिता खत्म कर दिता खत्म कर दिता बिक्रमी कैलेंडर जरा लागू करते हैं जो सा वक्री कौम का प्रतीक जिंदे नानक सिंह कैलेंडर बनाने लगे हैं ना उसे की होया कि नानक सिंह कैलेंडर जो बड़ा लम्मा मैं नहीं जाता गा थोड़े लफ्जा दसदा कि नानक सिंह कैलेंडर जरा पुरेवाल ने पाल सिंह पुरेवाल ने तैयार कर दिता असी देता श्रोमणी कमेटी ने देता उन्हें जगट ने पास करता जनरल हाउस पास हो गया जिसे ऐलान करना वेदांती जी सन उदो वेदांती जी सन उदो जिहड़े सीगे अकाल तख्त जथेदार साहब जी इन्होंने एक तो तुगड़े प्रवीण तुगड़िए जरा कहते हैं कि हिंदू हिंदुस्तान ने जो हिंदुओं का हिंदू रखे बन सकते तुगड़िया से एक प्रवीण कुमार तुगड़िया यह सुदर्शन दोनों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमृतसर आके कहते कि जे नानक सिंह कैलेंडर लागू हो गया सन 47 बनजोत खून दिन नदियां बह जाएंगी तो मैं बाबा जी कहते होंगे मैं दांती जी कहते बाबा जी बड़ा रौला पै गया है इन्होंने तो क्या बयान दते मैं कहा जी बाबा जी उन्होंने कहा सिंह साहब जी ये कोई गल नहीं है अपना कैलेंडर आप लागू करना इन्हों दे की है ये नाम नहीं मनना था लागू हुए कि ना नदियां बहियां तो ना बह गए मतलब उन्होंने की सी उनका मतलब ये कि असं हर रोज कहने सिख हिंदू है तो जे नानक सिंह कैलेंडर लागू हो गया तो चलता रहा दुनिया ने मान लिया जिस तरह के ईसवी कैलेंडर है ईसवी कैलेंडर मनण वाले का धर्म ईसाई है तो ईसवी हों कैलेंडर है तो धर्म ग्रंथ हों बाइबल है इस तरह ही इस्लाम धर्म है इस्लाम धर्म वाले का लोगों का धर्म इस्लाम है तो उन्होंने कैलेंडर जो है हिजरी है तो धर्म ग्रंथ उन्होंने कुरान शरीफ है हिंदुओं का इसी तरह जो है कैलेंडर जो बिक्रमी है धर्म हिंदू है इन्हों का धर्म ग्रंथ इनके 4, 20, 6, 18, 27 अनेक ग्रंथ हैं इन्होंने इसी तरह ही जो सिख है सिखा का धर्म सिख है धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है तो नानक सिंह कैलेंडर ने कि वक्री कौम दुनिया ने मलना वक्री कौम ये ढिड पीट ने तो होने लगी सी कि कैलेंडर बदलिया जाए जी कहते आप जी जे जे है ना साढ़े आह मैं तो इन यही कहना जिन्ना साढ़े आ संत लाभी है ये सारी विकी हुई है इन्हों की हिंदू मत के कर्मकांड उ कर रहे हैं जे बाबा नानक ने रोकया से अपना लोगों को विखाते अं बड़े बाबे नानक के पुजारी हैं तो कर्मकांड उ करते हैं जो कि बाबे नानक ने हटाया जिन्हों तो ये सारी विकी हुई लाभी ने बुरी ला के इन्होंने इन्होंने जरा नाम सिंह कैलेंडर से सिख कौम का बखरी कौम का प्रतीक से इन्होंने बदल के रख दिता कहते सोध्या हुआ कैलेंडर ना रखता सोध्या हुआ कैलेंडर मतलब इन्हें सो दिता इन्हें कैलेंडर खत्म कर दिता तो मैं तो यही गल करना चाहना हाँ कि यह जे लोग ने इन्हों तो सू जो सचेत रहना चाहिए है जी बिल्कुल ते सिंह साहब जी तुसी काफ़ी समय तो सिख धर्म के प्रचार वल काफ़ी ध्यान दे रहे हो पर इस सब के बावजूद भी सच्चा सौदा जा प्यारा सिंह पनियारा आशुतो आज उन्होंने भी काफ़ी चेलियां की गिनती बढ़ती जा रही है ऐसा क्यों हो रहा है ये ऐसा इस तरह हो रहा है कि जी ये हिंदू लाभी है हाँ जी ये जो असं अज कह दिए भी असं सिख नहीं अच्छा हिंदू है जी कोई डेरे हैं सब डेरे चके जाएंगे जी आज जिन्ने सारे कोई डेरे जड़े वजे ने सारे इस लॉबी के काम किए हुए ने इस सिखा जरा चार छपरे तो जरा घेरन वास्ते कि इन्हों की जी विचारधारा बदलिया जा सके डेरे वाले ने कुछ मगर ला रखे सिखा कुछ जे साडे आ जे दूजे जे गात्रे वाले ने सब तो नुकसान साढ़ा ये कर रहे हैं सारी ये हिंदू लाभी के तैयार किए हुए डेरे जे सिखा कन्वर्ट करने वास्ते सिख जे है इन्हें बहुत घतवाद पीता जाए इन्हें विचारधारा बदलिया जाए कि जे सिख है ये हिंदू हैं इस करके डेरे जे है ना ये आपे आप नहीं बने हुए डेरे डेरे इन्हें हिंदू लाभी के बनाए हुए हैं गुरु कहने का भाव थोड़े को मैं तो यह कहगा
कि थोड़े को लोग आउंदे हन बाहर आउंदे थोड़े बाहरले देशां दे विच आउंदे मैं तां मेरी जे तुसी मेरे जां जो मैं बोलिया है मैं कहना मैं सच बोलिया है अब जमीन नूं सामने रख के बोलिया किसी का डर नहीं गा किसी का भय नहीं गा तो गुरमपुर कहिंदा थोड़े कोल आउंदे ने बाहर लोग आउंदे थोड़े कोल आके बाहर आके आ चौंटे वाले बथेरे आउंदे ने लखां रुपये कट्ठा कट्ठे करके ले करोड़ां रुपये कट्ठे करके लेके आप दीआं दुकानां चलाईआं होईआं ने इन्हां ने इन्हां तों सचेत रहो इन्हां नूं जे तुसीं धर्म की गल करनी धर्म दे नां ते पैसे देने आ जी एक जिहड़ा हैगा थोड़े कोल बुढ़ा बाबा आउंदा होणा है थोड़े कोल एक बाबा इकबाल सिंह हैगा उह बड़ू साहब वाला हां जी सिखां दी पनीरी बीज रहा है जी सिखां दी पनीरी बीज रहा सिखां दी पनीरी नूं पाल रहा है हां सिखां दी पनीर पाल भी रहा है जिस तरह की गुरु प्यारो कहण दा भाव है कि सानू जिहड़ा है साडे ते इन्ने अत्याचार हो रहे हैं कि तुसीं तां मैं कहना साडे जिहड़े बाहर बैठे हैं लखां गुणा सौखे हैं कि थोड़े ते कानून तां इक है थोड़े ते कानून इक है जे कोई जुर्म करदा है कानून है साडे वास्ते कानून वखरा है सिखां वास्ते वखरा बहु गिणती वास्ते वखरे कानून है साडे ते असीं तां इह कहिंदे साडा खालिस्तान तों बगैर जिउणा दुब्बर होया पिया ते असीं चाहुंदे हां कि सानू खालिस्तान साडे इन्हां ने मनां दे विच आ बिछा दित्ता है कि खालसा पंथ जिहड़ा अपना खालिस्तान मंगे गुरु प्यारे खालकेण दा पाव है गुरु प्यारियो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸੱਤ ਦੋ ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਗਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਗਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ 15-20 ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉੱਗਣ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਰੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ जे कोई सुबह रुती हुर तो रुत आने से जरूर उगरेगा खालसा पंथ का जरा ना बीजा बीज ये खालसान का बीज जरूर उगरेगा पर तुम इन पानी पाते रहो जरूर उगरे खालसा का बीज उगरेगा पैदा जरूर होगा जी जी बिलकुल पर पता उदो लगता जो जहाजा ते चढ़ जाते रहे वो ब्यासा के जहाज से चढ़ के ये पिंडर वाले जो बने हुए पकौती पिंडर वाले जो गेड़े लाते डेर जावड़ इन्होंने तो बच के रहना हां जी जी बिलकुल सिंह साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम सारे सिख संगत अखा खोल दी असं वापस अपने जून 84 के मुद्दे वाल जाने तो 7 जून में सिख रैफरेंस लाइब्रेरी भी लुट के सार दिता गया साडा इतिहासिक खजाना अज भी दुश्मन के कोल है तो इस ये सिखा वापस क्यों नहीं दिता जा रहा है इस बारे भी साडे सिख संगत दसो आही तो गल है जेकर उस दे देंगे तो फिर तो हार देने तो कहते देना नहीं है हाँ जी तो हार मान लैन पर जो खालसा पंथ कहीं हार नहीं मनता सदा ही इस खातर जूझता रहेगा कि साडा विरसा जो दिता जाए जी विरासत संभाली जाए फतेहनामा जो लिखे दसवें पातशाह रंगजीव न खालसा हार का नहीं गा है तो उसने रंगजीव ने कहा हारे हैं मैं जितया इस तरह जो खालसा पंथ है ये हारेगा नहीं गा सदा ही यह जरा है ये मंग करता रहेगा कि आपकी विरासत लेके हटेगा जी हेलो हाँ जी हाँ जी सिंह साहब जी जिस तरह तुसी संत पिंडा वाले दी गल कर रहे सी उन्हां दी कुछ शख्सियत बारे भी साडी सिख संगतां नाल जरूर शेयर करो उन्हां जी उह सच दे पहला दिन वाले सन मैं तां अपने कोल जांदा नहीं सच दे पहला दिन वाले सन हाँ जी पर सच दे पहला दिन वाले उन्हां दे वारस बने बंदे आ उह सच दे पहला दिन रहे उन्हां नाल बेशक उन्हां नाल कमेंटमेंट करन वास्ते तैयार सी सरकार पर उन्हें कह दिता सीगा कि तुसी मेरी लाश तां लैके जा सकदे आ पर मैंने ज्यौदे नहीं दिल जा सकते उन्होंने कह दिता सीगा कि भाई जिन्हां ने कुर्बानियां देनियां वो रहो दूजे निकल जाओ कढ़ दिते सी आप उन्हें आप दे आप कढ़ दिते सीगे पर मैं तो इन्हां दे गल दा दुख मनाउणा है कि जिन्हां नूं जिहड़े वारस हन उन्होंने उन्होंने उनकी शहीदी नूं लुको के रखिया 30 साल हाँ जी 29 साल लुको के रखे क्यों लुको के रखे इन्होंने जी भी उन्होंने शहीदी जिहड़ा इन्हां दा जिहड़े जान बुझ के लुको के रखे शहीदी उन्होंने शहीदी जिहड़ी आ प्रगट ही होण दित्ती कहिंदे संत ज्यौदे ने संत है जिथे चढ़ती कला च लड़न आते कहते जेकर जो कोई कहता ना संत शहीद हो गए जीभ सड़ हूं इन्होंने जीव नहीं सड़ी हूं क्योंकि मन गए भी संत जी शहीद हो गए हूं जीभ क्यों नहीं सड़ी गई इन्होंने पर करनी तो कहनी के पक्के सन प्रपक्ष करनी कहनी के पक्के सन जो कहते करके विखाते सन तो जो उन्होंने वारस बने हुए ना इन्हों तो सचेत रहना है जे मैं कहना भी ना तो मेरे को उन्होंने कोई हैगा है कोई उन्हों का नंबर ही हैगा उन्हों का ना कि मैं पता है पर मैं पता भी बुढ़ा एक है
ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੰਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਧੰਮ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਂਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੁੜਿਆ ਕਿ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਇਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਓ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਚੌਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਭਤੀਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 500 ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਨੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਪੋਂਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੀ ਟਰੱਸਟ ਵਾਲੀ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਬੀਬਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨੀਗਾ ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਆ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਛੱਤ ਹੈ ਛੱਤ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਵਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਰਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਮਦਮਾ ਸਿਰ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਹ ਦੱਸੋ ਆਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਮੁੜਿਆ ਆ ਉਦੋਂ ਨਜੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਨੇ ਵਾਲੇ ਚੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਹਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੜਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਗੁਰਮੇਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਵੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾਗਾ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਨਕੀ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜੇ ਮੰਗਾਇਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਇਸੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ੁਭਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਸੱਚ ਸ਼ੁਭਦਾ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿੰਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਨਾਨਕੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਖ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਹਿੰਦੂ ਲਾਬੀ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਆਹ ਟਕਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ
अपने मुंह से काल का टिका ना आप लेना बेशक हटा देना आपू सेवा कर रहे पखंडिया ना दिया करो पैसे आके आप सेवा करो जिस तुम लगता भी सेवा कर रहे सेवा करा करो बिलकुल ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੇਟਾ ਵੀਰਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਸ਼ੋ ਤੇ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ 84 ਦਿਨਾ ਐਂਡ ਵੀਲ ਸੀ ਯੂ ਟੁਮਾਰੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ